और आपने बंगाल का संदर्भ भी दिया। अच्छा, बंगाल ने क्यों देश बनी है भाई? बंगाल में क्यों नहीं जा सकते हम? जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। बंगाल में भी तो किसानों को दिक्कत है। बंगाल के किसानों को दिक्कत है? हाँ, बंगाल में किसानों को दिक्कत है, जाएंगे वहाँ भी। किस तरह की दिक्कत है? अरे, फसलों के रेट नहीं मिल रहे वहाँ पे भी। हाँ, दिक्कत है बंगाल में भी, जाएंगे। सर, आप अब क्या चुनाव से संबंधित है? ना ना, चुनाव से नहीं भाई, वहाँ तो हम तो किसानों के मामले में जाएंगे। सर, अभी तक सरकार से बातचीत का बुलावा आपको नहीं आया है? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो एक कॉल दूर हैं। कैसे होगी आपकी बातचीत? गतिरोध अभी तक जारी है आप लोगों के बीच में? हो जाएगी एक आध महीने में, हो जाएगी दो महीने में। कोई किसानों को भी कोई जल्दी नहीं, हमें भी काम बहुत है, पूरे देश में मीटिंगें करनी, पूरा देश तंग है। ये तो ट्रैक्टर लेकर तो पूरी दुनिया में बहुत लगे, अब तो फ्रांस में भी हो रहा, वहाँ पे भी हो रहा। ये ट्रैक्टर ऐसी चीज होगी कि दुनिया में जो भी किसान ही करेगा वो ट्रैक्टर लेगा, जरूर चलेगा, सिंबल बन गया। सर, रेल रोको आंदोलन कैसा रहेगा 18 तारीख को? रेल चल कहाँ रही, रेल तो सरकार ने रोक रखी, जो अभी भी चल रही है वो। जो एक आधी चल रही है रोकेंगे वहाँ पे। किस तरह से, मतलब ट्रैक को रोक देंगे? स्वरूप क्या रहेगा सर? फूल माला चढ़ा के माला डाल के रोकेंगे, शांति। रोकेंगे कैसे? ट्रैक पे जाती हुई को या स्टेशन पे जहाँ चलेगी वहीं रोकेंगे? अरे, अपने गांव के बाहर सड़क पर रोक लेंगे, यहाँ पे भी गाँव जाए। अच्छा, जहाँ ट्रैक हो आ जहाँ पे भी रोक ले, गांव वाले सब जानते हैं कहाँ रोक। बार बार सिंगू बॉर्डर मंच का जिक्र क्यों किया जाता है कि वही मंच रहेगा क्या किसी तरह? अरे, कुछ लोग करो जा, अगर ये मंच बदलेंगे, हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। अधिकारी कहूँ जाना के अजी हमें मिल नहीं रहा, ऑफिस कहाँ है मकाना? हमारे ऑफिस भी वही है, राज्यवाल जी, गोगरा जी, ये सब हमारे लीडर है। जैसे इनसे पहले वे संपर्क करते थे ऐसे ही अब करो, बकाओ ना। 40 के 40 लोग हमारे वे के वही है। आपने कहा बाहर बैठा जो है कृषि मंत्रालय नहीं, ना है नहीं, कहाँ है बताओ? एग्रीकल्चर मिनिस्टर को 18 विभाग देखते हैं भारत सरकार के, उसके 18 मंत्री है, और जिस विभाग के 18 मिनिस्टरी होगी तो उसका यही हाल होता है। हमने भारत सरकार को पिछले दसियों साल से ये कह रहे कि आप एग्रीकल्चर कैबिनेट बनाओ, उसमें जो 18 मंत्रालय है मिनिस्टरी वे उसमें आएगी, और जब भी एग्रीकल्चर की बात हो तो वे तो अधिकारी बैठे या उनके मिनिस्टरी बैठे, और कोई भी पॉलिसी तय हो तो उस सबके बीच में पॉलिसी तय हो। जैसे अगर दालों की यहाँ पर कमी होगी तो विदेश मंत्रालय ने एग्रीकल्चर या फूड मिनिस्टर से नहीं पूछा और विदेशों से दालें यहाँ पर मंगा ली। तो जब तक ये कंसर्नड अधिकारी सारे नहीं बैठेंगे तो किसानों का भला नहीं हो सकता। बैंकिंग भी उसमें आएगा। 1 लाख रुपए अगर KCC वाले किसान को जमा करने होते हैं तो 10,000 रुपये वो सोकार से लेता है एक रात के लिए, और वो जमा करते हैं तो 300% से भी ज़्यादा का ब्याज देता है किसान। तो ये बैंकिंग वाले भी उसमें आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब होगी, जब यहाँ की कमेटी बन जाएगी हमारी इनकी सबकी, और आगे फिर बातचीत होगी तो ये सब कमेटियाँ इन सब मसलों पर बातचीत करेंगी। टूलकिट के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से टूलकिट के? अरे, ये तो उलझाने का काम कर रहे हैं। देखो, हमने ये कहा है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन करा है उसका धन्यवाद है। किसी ने देश के खिलाफ कुछ करा है, हम पर किसका डाटा रखे हैं? कोई हम वो तो करवा नहीं रहे। किसी ने कुछ करा है तो उसका हमें समर्थन नहीं चाहिए। जो हमारे समर्थन में कर रहा देश के प्रति ठीक है, उसका हम समर्थन दे रहे हैं। राज्यपाल साहब, सिंगल बॉर्डर पे फसल चक्र ऐसा है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में 15 मार्च के बाद में फसल कटाई शुरू हो जाएगी, उंगा कटती रहेगी। इंगे हमारा करीब करीब अप्रैल में शुरू होगी, 15 अप्रैल के बाद में, तो इतना उंगे की कट जाएगी, उंगे के लोग यहाँ पाना शुरू हो जाएंगे, इंगे के अपने काम करने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बगैर सरकार का इलाज करे दिल्ली की एक का कील काट के जाएंगे, छोड़ नहीं। क्या लगता है आंदोलन अभी और लंबा चलेगा? हाँ, लंबा चलेगा, चलाओ जाओ जितना लंबा सरकार को चला। आपने जींद महापंचायत में महात्मा गांधी को और हनुमान जी को आंदोलन जी भी कहा था, अयोध्या के कई जो पंडित है उन्होंने आपत्ति जताई, उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी को माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों, किस करके कहा? नहीं, अब प्रधानमंत्री मांगा माफी? हनुमान जी भी तो आंदोलनकारी थे और महात्मा गांधी भी आंदोलनकारी थे और राज्यवाल जी भी आंदोलनकारी है, चूरन जी भी आंदोलनकारी है, और जो सरदार भगत सिंह थे वे भी आंदोलनकारी थे, जिसने भी अपना काम छोड़ के देश के लिए आंदोलन करा। हनुमान जी का वहाँ रिश्तेदारी थी कोई श्रीलंका में, क्या था उनका? दूसरों के काम के लिए तो गए थे, तो वे भी आंदोलन तो करा उन्होंने। मतलब औरत किसी की गई और पूछ हनुमान जी की जड़ी, ठीक है, तो वे आंदोलन जी भी तो थे। तो जिन्होंने उनके बारे में कहा माफी भी मांगेंगे। और श्री राम तो हमारे वंशज थे, हमारे बाबा थे श्री राम, और
ठीक, हम भी रघुवंशी, वे भी रघुवंशी, इनका क्या मतलब है श्री राम से?